हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ जीएस। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारी जो साइंस की टॉप 20 इम्पॉर्टेंट जो जीके सीरीज चल रही थी, तो उसका सेट टू मतलब पार्ट टू डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में ज़्यादातर एसएससी में पूछा गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। डिफिशियंसी ऑफ व्हिच हार्मोन कॉजेज डायबिटीज़। तो दोस्तों, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह डिजीज़ होता है? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन। एक मिनट, ठीक है, इसका आंसर है इंसुलिन। चलिए अगला देखते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी इन इंडिया? दोस्तों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एडविन जॉन बटलर। ठीक है, एडविन जॉन बटलर। चलिए अगला देखते हैं। विच शुगर इज़ प्रेजेंट इन डीएनए? तो दोस्तों, डीएनए में कौन सी शुगर पाए जाते हैं? तो उसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पेंटोज। ठीक है, पेंटोज। चलिए अगला देखते हैं। फॉर प्रिवेंशन ऑफ विच डिजीज़ बीसीजी वैक्सीन इज़ गिवन? दोस्तों, किस बीमारी की प्रिवेंशन के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। चलिए अगला देखते हैं। Which instrument is used to measure the purity of milk? दोस्तों, मिल्क की प्योरिटी मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। ठीक है, लैक्टोमीटर। चलिए, द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज नोन एज? तो दोस्तों, पक्षियों का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑर्निथोलॉजी। चलिए, विच मस्कोइटो कॉजेस मलेरिया डिजीज इन ह्यूमेंस? तो दोस्तों, कौन सा मच्छर मनुष्यों में मलेरिया रोग का कारण बनता है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, फीमेल एनोफिलिस मस्कोइटो। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मस्कोइटो। चलिए अगला देखते हैं। टू मेक प्लास्टर ऑफ पेरिस इन व्हाट टेम्परेचर इज जिप्सम हीटेड? तो दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने के लिए जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर है ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। हु डिस्कवर्ड फर्स्ट एंटीबायोटिक्स? इसका आंसर क्या है दोस्तों? ये सबको मालूम होगा, ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। ठीक है, चलिए। मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑकर इन व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कर्नल ऑफ मैन? तो दोस्तों, ज़्यादातर जो डाइजेशन है वो एलिमेंट्री कर्नल की कौन सी पार्ट में होता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। चलिए, एट हिल स्टेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर विल बी? तो दोस्तों, हिल स्टेशन में वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या कम होगा, ज़्यादा होगा? सी लेवल से क्या कम होगा, ज़्यादा होगा, इक्वल रहेगा, क्या चेंजेस होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेस देन एट द सी लेवल। हम सी लेवल से जितना ऊपर जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट जो है उतना ही कम होता जाएगा। चलिए, द गैस एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस? तो दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन इज द राइट आंसर। चलिए, हु इज़ द डिस्कवरर ऑफ हाइड्रोजन? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, कैवेंडिश। ठीक है, कैवेंडिश। आरबीसी डू नॉट परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज दिस डू नॉट कंटेन? तो दोस्तों, आरबीसी में ऐसे कौन सी चीज़ नहीं है जिसके वजह से एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाता? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, माइटोकॉन्ड्रिया। आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसलिए वो एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं कर पाता। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमन बींग्स? इसका आंसर क्या है दोस्तों? ये तो सबको मालूम होगा ना। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 20 Hz to 20,000 Hz। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेमोरी लॉस वुड मोस्ट लाइकली बी ड्यू टू ए मलफंक्शन ऑफ व्हिच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? तो ह्यूमन ब्रेन की कौन सी पार्ट की मलफंक्शनिंग की वजह से कभी कभी मेमोरी लॉस हो जाता है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम इज़ द राइट आंसर। चलिए, नेल्स कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड डैश सेल्स? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, एपिडर्मल। ठीक है, सो नेल्स आर द एपिडर्मल, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल्स। चलिए,
एल्बुमिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन ब्लड सीरम, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। तो दोस्तों एल्बुमिन जो है वो कौन सी ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है? सो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लीवर। ठीक है, एल्बुमिन इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंगल डिजीज? तो दोस्तों इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है, दोनों ही आंसर है, एथलेट फोर्ट्स एंड मदुरा फोर्ट्स। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, बोथ वन एंड टू। चलिए, गोल्डन राइस वैरायटी इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा दोस्तों बीटा कैरोटीन एंड फेरिटिन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बीटा कैरोटीन एंड फेरिटिन, याद रखिएगा। चलिए, सो दिस मच फॉर टुडे। वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताना, और मेरा जो डेली करंट अफेयर्स का वीडियोस है वो अगर आप लोग रेगुलरली देख रहे हैं तो एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने वो नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखिएगा डेली करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी ऑन कर दीजिएगा। चलिए।